कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट प्लस आई के साथ क्या इमेजिनरी पार्ट, ऐसे होता है जनरली ना। इसको रियल पार्ट को एक्स बोला जाता है और इमेजिनरी पार्ट को क्या वाई। तो जेड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई। जेड इक्वल क्या लिखेंगे बोलो, एक्स प्लस आई वाई। इसी को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, मतलब रियल कॉमा इमेजिनरी, रियल कॉमा इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रियल प्लस आई इमेजिनरी, और ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, रियल कॉमा इमेजिनरी। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं ना, उस कार्टेशियन प्लेन को मालूम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं। जिस कार्टेशियन प्लेन का यूज कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। समझ लिए, P कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये एक्स वाई प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। आ गया समझ में। अगर इधर पे ना माइनस वन टू होता, क्या होता, माइनस वन टू, तो जेड इज इक्वल्स टू क्या होता बोलो, माइनस वन प्लस टू आई। पहला वाला रियल पार्ट, दूसरा वाला इमेजिनरी। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला क्या इमेजिनरी। एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, कौन सी एक्सिस, रियल एक्सिस, और वाई को बोलते हैं क्या, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट कॉमन, दूसरा क्या इमेजिनरी पार्ट। आया समझ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। छाप ली जल्दी से, इसको भी छाप लो जल्दी। एक्स एक्सिस ही रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस इमेजिनरी। चलो आगे देखो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया आपको, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आगे समझिए, ऑर्डर्ड पेयर और क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऐसे अगर आपको ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हो, जैसे कि 2 प्लस 3 आई और दूसरी तरफ क्या दिया हो, x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 आई। अब आप बात समझना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है, इसका रियल पार्ट कितना है 2, इसका रियल पार्ट कितना है x माइनस 2, जिसमें i रहता है वो इमेजिनरी पार्ट, जिसमें i नहीं रहता वो रियल पार्ट। i मतलब इमेजिनरी नहीं, i मतलब आयोटा, i मतलब क्या आयोटा, i मतलब इमेजिनरी नहीं, लेकिन जो i के साथ लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता कॉम्प्लेक्स नंबर का। जिसके साथ i लग जाता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जबकि i का मतलब क्या है आयोटा है। I का मतलब क्या है आयोटा, समझो। इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट क्या है x माइनस 2। तो देखो x माइनस 2 बराबर 2, x का वैल्यू कितना 4, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है y माइनस 1, y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4। समझ में आ गया। कोई अगर आपसे कहता कि इस टाइप की इक्वेशन दी है, आप x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप किसको कंपेयर करेंगे, रियल से रियल को और इमेजिनरी से इमेजिनरी को। आगे समझ में। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के। आया समझ में। टाइप वन के सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे, सब आई पे बेस्ड है, और टाइप टू के एक दो प्रॉब्लम बन जाएंगे जो सफिशियंट है। आज इतना करिए, उसके बाद कल से आप ना टाइप टू टाइप थ्री एक साथ खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से, जितना मैंने पढ़ाया ना उसको बढ़िया वापस से देखना है, और जो लर्न करने वाला है उसको लर्न कर लीजिएगा, और प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिएगा, और सीट सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, सीट सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है, ठीक है ना। जितने भी डाउट आए फर्स्ट टाइप में, जितने भी डाउट आए फटाक से टिक करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। छापिए इसको भी।